चांद की रोशनी यहाँ पैगाम लाई करवा चौथ पर सबके मन में खुशियाँ छाई। सबसे पहले आपको हमारी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सृष्टि। स्वागत है आपका पंजाब के श्री नवोदय टाइम्स टीवी में। तारों की छाव में सरगी खाने के साथ साथ निराहार निर्जल व्रत रखकर सुहागिने अपने पति के मंगल जीवन की कामना करती हैं। भोर से चांद दर्शन तक का यह दिन बेहद खास होता है और इस दिन का इंतजार महिलाएं साल भर करती हैं। इस दिन व्रत रखकर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। हर साल की तरह महिलाओं के बीच इसे लेकर भारी उत्सुकता देखी जा सकती है। वहीं कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो पहली बार करवा चौथ का व्रत रखेंगी। वैसे तो कुछ लड़कियां शादी से पहले भी करवा चौथ का व्रत करती हैं, लेकिन शादी के बाद पड़ने वाले पहले करवा चौथ का अपना अलग ही महत्व होता है। धार्मिक दृष्टि से भी पहला करवा चौथ महत्वपूर्ण होता है। पहली बार व्रत और पूजा करने वाली स्त्रियों को इससे जुड़ी परंपरा और नियम जानना जरूरी है। पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही महिलाओं को इस दिन सुबह जल्दी उठकर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। करवा चौथ के दिन सुबह सरगी के साथ दिन की शुरुआत होती है। पहली बार करवा चौथ करने वाली नवविवाहित की सास सरगी के रूप में व्रत से पहले बहू को मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती है। इसके बाद वे पूरे दिन का निर्जल उपवास रखती है। करवा चौथ में जितना महत्व व्रत और पूजा का है, समान महत्व करवा चौथ के व्रत सुनने का भी है। इस व्रत में जिस तरह जरूरी व्रत और विधि विधान से पूजा करना चाहिए, वैसे ही कथा सुनना भी उतना ही शुभ फलदायी है। इसीलिए जो महिलाएं पहली बार इस व्रत को कर रही हैं, उन्हें पूजा के साथ ध्यान से कथा सुननी चाहिए। आपको बता दें कि करवा चौथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन, चौथ यानी की चतुर्थी। करवा पति पत्नी के बीच स्नेह और प्यार का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर इन सभी चीजों की पूजा की जाए तो माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद मिलता है और दोनों के जीवन में प्यार बना रहता है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवोदय टाइम्स।